गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माझे नाव डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम नीट फर्स्ट ईयर के पेडागॉजी और सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान और ज्योग्राफी का जो कोरिलेशन है उसकी स्टडी करेंगे। जो कि हम जानते हैं कि विश्व एक रंगमंच है। विश्व जो है रंगमंच है और इस विश्व में ही क्या है नाटक जो है, और वो नाटक भी कौन प्ले करते हैं? मानव, जो उसके पात्र होते हैं। तो इस प्रकार से विश्व के अंदर नाटक हो रहे हैं और ये नाटक में जो विभिन्न प्रकार के पात्र हैं उसकी भूमिका में मानव इन पात्रों की भूमिकाओं के अंतर्गत नाटक प्ले कर रहा है। तो विश्व हमारा एक रंगमंच हुआ और पृथ्वी भी, अब पृथ्वी जो है पृथ्वी भी हमारा रंगमंच है, क्योंकि इस पृथ्वी पर ही क्या है जो मानव है वो अपना नाटक कर रहे हैं और मनुष्य जो है इस रंगमंच के ही पात्र है। तो इस प्रकार से जो ज्योग्राफी है, अब ज्योग्राफी में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है और सोशल साइंस के अंदर हमारा जो सामाजिक विज्ञान है इस सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत वर्तमान विषय वस्तु जो इसका कंटेंट है जो हम सोशल साइंस के अंदर स्टडी करते हैं तो वो कंटेंट एकांगी न होकर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक क्रियाओं से, अभी भौगोलिक क्रियाएं हो सकती हैं या भौगोलिक गतिविधियां हो सकती हैं, तो भौगोलिक गतिविधियां या हम कह सकते हैं इन्हें क्रियाएं या हम कह सकते हैं हमारी परिस्थितियां, तो इन परिस्थितियों से हमारे सोशल साइंस की जो विषय वस्तु है वो प्रभावित होती है, इस प्रकार सोशल साइंस और ज्योग्राफी में आपस में कोरिलेशन है क्योंकि ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आते हैं तो ये सारी जो मानवीय क्रियाकलाप है जो हम पृथ्वी के रंगमंच पर करते हैं ये मानवीय क्रियाकलाप हमारे भौगोलिक क्रियाओं से प्रभावित होती है और भौगोलिक क्रियाओं से ये जो है नियंत्रित भी होती है, क्योंकि हमारे मानवीय क्रियाकलापों में हमारा जो भौगोलिक जो स्ट्रक्चर है हमारे संसार का, हमारे पृथ्वी का, वो हमारे मानवीय क्रियाकलापों को नियंत्रित रखता है। और इस प्रकार से अतीत से लेकर के अब तक मनुष्य ने जितनी भी अपना विकास किया है, जितना भी अपना जो परिवर्तन हमें समाज के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उन परिवर्तनों के अंदर मनुष्य ने प्रकृति के साथ अपना अनुकूलन स्थापित किया है और प्रकृति पर जीत पाने का प्रयास किया है कि प्रकृति को कैसे न कैसे जीत सके। जैसे आज के इस कोरोना महामारी के दौर में भी हम ये जो वायरस है, कहने को ये मेन पेट है लेकिन इसने ये वायरस नेचर से ही आया है और नेचर से ही मनुष्य ने इसमें इजाद किया है,
स्पाइडर्स पर जिन पान जाते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य की समस्त क्रियाकलापों को प्रकृति द्वारा नियंत्रित भी किया जाता है और प्रकृति द्वारा उसे अनुकूलन स्थापित करने की योग्यता और क्षमताओं का भी विकास किया जाता है। साथ ही आज के समय में देखा जाए तो हमारे विश्व के अंदर वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी विकास हो रहा है और इस वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी विकास ने वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी विकास ने विकास ने भौतिक दूरी को कम कर दिया है। चाहे हम सूचनाओं की दृष्टि से लें चाहे संसाधनों की दृष्टि से लें, अब तकनीकी हो गए हमारे आईसीटी के संसाधन और ये वैज्ञानिक प्रगति में हमारे यातायात के संसाधन। तो इस प्रकार से अब इस वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी विकास ने हमारी दूरियों को कम कर दिया है, हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमें एक साथ पहुंच जाती है, चाहे प्रकृति के अंदर कोई भी घटना घटित हुई है और इसका मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ा हो वो भी हमें तुरंत पता चल जाता है। कंप्यूटर इंटरनेट और मोबाइल फोन के माध्यम से जो हमारे स्मार्टफोन है, साथ ही यातायात के संसाधनों ने आज भौतिक दूरी को कम कर दिया है और जहाँ कई दिन लगते थे हमें यात्राओं के अंदर आज कुछ घंटों के अंदर हम विदेशों की यात्राएं भी एरोप्लेन के माध्यम से कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के जो है। तो इस प्रकार से इन जो वैज्ञानिक तकनीक प्रगति और तकनीकी विकास हुआ है इसने यातायात के संसाधनों के विकास से मनुष्य के आवागमन के जो साधन हैं आवागमन के साधनों के द्वारा एक सुलभता एक सुविधा प्रदान की है। और इसके अंतर्गत अब आगे हम देखते हैं कि जो भूगोल है वो सामाजिक विज्ञान से इसे मैं रख देती हूँ पहले भूगोल और सामाजिक विज्ञान दोनों ही आपस में सहसंबंधित हैं। अब ये जो सहसंबंध है ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का जो सहसंबंध है ये सहसंबंध दो प्रकार से स्थापित होता है। पहला तो है आकस्मिक सहसंबंध, आकस्मिक सहसंबंध और दूसरा है नियोजित या हम कह सकते हैं व्यवस्थित व्यवस्थित सहसंबंध। तो इन दोनों प्रकार से हम सहसंबंध स्थापित करते हुए हमारे सोशल साइंस को ज्योग्राफी से सहसंबंधित करते हुए शिक्षण कार्य करा सकते हैं। अब सामाजिक भी आकस्मिक सहसंबंध कैसे, जब हम सोशल साइंस के तथ्यों को स्पष्ट करते हैं तो उस समय हम आकस्मिक सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि हमारा जो उत्तरी और पश्चिमी एरिया है और पूर्वी एरिया है, तो ज़्यादातर हमारे देश में जो आक्रमण हुए हैं वो उत्तर पश्चिमी एरिया जो हमारे भारत का जो नक्शा है उसके अंतर्गत जो हमारा उत्तरी पश्चिमी जो एरिया है और इस उत्तरी पश्चिमी एरिया से जो भी मुगल आए या हमारे ब्रिटिश आए या अन्य जो है कह सकते हैं मोहम्मद गौरी है मुगल जितने भी शासक है उन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया और तो इस आक्रमण के अंदर ये जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है वो बहुत ज़्यादा उत्तरदायी रही तो उन्हें आसानी से भारत में आने के लिए एक हम जब इन आक्रमणों को स्टडी कराते हैं सोशल साइंस में तो हम भूगोल की सहायता से हमारे जो हिमालय पर्वत है और हमारा जो पीओ में जो पाक अधिकृत क्षेत्र है हम उसको ज्योग्राफिकल मानचित्र के अंदर रिप्रेजेंट करते हुए
समझा सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम नियोजित जो सहसंबंध है, तो नियोजित सहसंबंध के अंतर्गत जो भौगोलिक प्रसंग है हमारे, भौगोलिक प्रसंग और संदर्भों को ज्योग्राफी से कोरिलेट करते हुए हम हमारे सोशल साइंस की जो व्याख्या है उसके कंटेंट की व्याख्या को हम स्पष्ट कर सकते हैं। अब इसी में जैसे शिवाजी का हम साम्राज्य विस्तार बता रहे हैं, तो शिवाजी का साम्राज्य विस्तार भारत के दक्षिणी क्षेत्र में रहा था, तो दक्षिणी भारत के अंदर जो उसका साम्राज्य विस्तार है उसको हम मानचित्र के माध्यम से, नक्शे के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार जब हम शिक्षण कार्य कराते हैं तो पूर्व में ही जब हम इस कंटेंट को पढ़ा रहे हैं तो पूर्व में ही प्लानिंग करते हुए हम मानचित्र की व्यवस्था करें और उसके अंदर जो शिवाजी का साम्राज्य विस्तार है उसको हम दिखा सकते हैं। तो अब ये जो कोरिलेशन है, इस कोरिलेशन को करते समय कुछ सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सावधानियों का ध्यान रखते समय पहली जो बात है कि जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो छात्रों के मानसिक स्तरों के अनुकूल हो, छात्रों के मानसिक स्तरानुकूल हो, तभी वो ज्योग्राफी के कंटेंट को ऐसे से कोरिलेट कर सकेगा। दूसरी इसमें बात है कि हिस्ट्री पर ज्यादा बल न दिया जाए, पर ज्यादा बल न दिया जाए, क्योंकि हिस्ट्री के कंटेंट को ज्यादा अगर फोकस करेंगे तो ज्योग्राफी से ज्यादा उसका इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। तो हिस्ट्री पर ज्यादा बल नहीं दिया जाए ज्योग्राफी से ज्यादा, तब तो हम सोशल साइंस का जो है ज्योग्राफी से कोरिलेशन स्थापित कर सकेंगे। तीसरा, इसमें स्टूडेंट की जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, व्यक्तिगत विभिन्नता तथा मानसिक स्तर का ध्यान रखा जाए, स्तर का ध्यान रखा जाए। अब ये व्यक्तिगत विभिन्नता में छात्रों की आदतें हैं, रुचि है, उनका आयु स्तर है, उनकी आवश्यकता है, तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही हम कोरिलेशन अगर स्थापित करें तो वो ज़्यादा सही होता है और स्टूडेंट को भी ज्योग्राफी के साथ कोरिलेट करने में सोशल साइंस को हेल्प करता है। अब ज्योग्राफी का जो करिकुलम है उसको भी डिसाइड करने में सोशल साइंस हमारी हेल्प करता है, क्योंकि सोशल साइंस एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। तो सोशल साइंस के अंदर हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी का भी कुछ पार्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी उसमें इंक्लूड होती है, एक और पॉलिटिकल साइंस भी इंक्लूड होती है, ज्योग्राफी तो है ही। तो इस प्रकार की सभी विषयों की विषय वस्तु जो समाज को डायरेक्ट इफेक्ट करती है, हम उस कंटेंट को 10th लेवल तक यानी माध्यमिक स्तर पर हम सोशल साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से कुछ कंटेंट ऐसा भी है जो ज्योग्राफी का है वो इकोनॉमिक्स से भी कोरिलेटेड है और पॉलिटिकल साइंस से भी कोरिलेटेड है और हिस्ट्री से भी कोरिलेटेड है। जैसे हम पानीपत के युद्ध की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारी ज्योग्राफिकल सिचुएशन क्या रही, अगर हम कृषि उद्योग धंधों की बात करते हैं तो वो इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है और हमारे ज्योग्राफी का भी पार्ट है। इसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी हम ज्योग्राफी को कोरिलेट कर सकते हैं, तो हमारी जो राजनीतिक दायरे हैं, सीमाएं हैं, जो भौगोलिक स्थितियों से निर्मित हैं, तो वो भी एक दूसरे से सहसंबंधित हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे सोशल साइंस के विभिन्न पक्ष जो विभिन्न विषयों के रूप में हैं और इन विभिन्न विषयों की जो समाज उपयोगी सामग्री हम सोशल साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं तो आपस में ये सभी विषय एक दूसरे से संबंधित है। स्पेशली हम ज्योग्राफी की यहाँ बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं, ऐसे कंटेंट हैं जिनको पढ़ाते समय हम सोशल साइंस और ज्योग्राफी में कोरिलेशन स्थापित कर सकते हैं। अब ये जो कोरिलेशन है, अब इन कोरिलेशन को मैं कुछ बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करूँगी, तो जो हमारा
सहसंबंध है सामाजिक विज्ञान का भूगोल से सहसंबंध। अब ये जो सहसंबंध है, इस सहसंबंध में सबसे पहले तो हम जो सहसंबंध स्थापित करते हैं तो उसमें पहला वाला पॉइंट आता है कि शैक्षिक भ्रमण की योजना। अब शैक्षिक भ्रमण की जब योजना हम बनाते हैं तो इस शैक्षिक भ्रमण की योजना में हम सामाजिक विज्ञान और भूगोल दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं। यानी हम जहाँ भी हम बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं वहाँ की जलवायु, वहाँ का मौसम, वहाँ की जो अनुकूल स्थितियाँ हैं, वहाँ का जो पर्यावरण है, ये सब ज्योग्राफी के पार्ट है। और इसी के साथ ही सोशल साइंस से कोरिलेट करेंगे तो उस वहाँ पर निवास करने वाला समाज, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उसके रीति रिवाज, उसका पहनावा, इन सबको हम ज्योग्राफी और सोशल साइंस को उसकी प्लानिंग के अंतर्गत हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा इसके अंतर्गत आता है कि हम प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के संदर्भ में सोशल साइंस प्लस ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं, जो हमें हमारे आसपास के स्थानीय परिवेश के बारे में अवगत कराती है। साथ ही इस परिवेश के अंदर किस प्रकार से हम सजग रह सकें, इस परिवेश यानी हमारा जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित रह सकें, ये सारे कंसेप्ट इन दोनों जो है इन दोनों को कोऑर्डिनेट करते हुए हम पढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे खनिज संसाधन है। अब खनिज संसाधन एक तरह से ज्योग्राफी का पार्ट भी है, और इन खनिज संसाधनों का जब हम संरक्षण की बात करते हैं तो ये संरक्षण क्या है, समाज से जुड़ जाता है, यानी सोशल साइंस से जुड़ जाता है। तो समाज द्वारा ही इसका क्या है, संरक्षण किया जा सकता है, और किस प्रकार से इनको इकोनॉमिकली इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हुए इन खनिज संसाधनों का भावी पीढ़ी तक भी इसका प्रयोग किया जा सके, इस प्रकार हम संरक्षित रखें ताकि हमारे जो है समाज द्वारा इसका संरक्षण हो सके और हमारे समाज का विकास हो सके। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो पॉइंट आता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज यानी हमारे प्राकृतिक संसाधन। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन है, इन प्राकृतिक संसाधनों में हमारे बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है, हमारे जो है वन है, इसमें वन्य जीव जंतु है, हमारे खनिज है, ऑल ओवर जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है। अब इन नेचुरल रिसोर्सेज का समाज के द्वारा किस प्रकार से सर्वोत्तम इसका यूज किया जाए, तो इसका जो मेन फोकस होता है यूज वो भी सर्वोत्तम, ऐसा नहीं हो कि उसका मिस यूज हो, तो सर्वोत्तम यूज हो सके, उसका संरक्षण हो सके, और इसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, हमारे नेशन का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट यानी नेशन का आर्थिक विकास हम कर सकते हैं। तो इन सब की जानकारी इन दोनों विषयों को कोरिलेट करके हम दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है इसके अंतर्गत वो आता है कृषि, जिसके अंदर हम कृषि से संबंधित हमारी फसलें हैं उनका उत्पादन है, आदि की हम स्टडी कराते हैं। तो ये उत्पादन जो है ये और फसलें हैं, इसके लिए जलवायु, मिट्टी, वाटर सप्लाई, ये सब हमारे ज्योग्राफिकल पार्ट है, और इस कृषि से जो उत्पन्न उपजे हैं या फसलें हैं इनका प्रयोग हमारे समाज के द्वारा किया जाता है, हमारे सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। तो चूंकि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ कृषि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कृषि पर ही हमारे देश की लगभग मानवीय संसाधन निर्भर करता है, और लगभग 70% जनसंख्या आज भी इस पर निर्भर है। तो इस प्रकार से जो हमारा सोशल साइंस है, हम जब उसकी स्टडी कराते हैं तो इसको ज्योग्राफी से कोरिलेट करके पढ़ाए तो ज़्यादा अच्छा प्रभावी होगा, और इसके द्वारा जो कृषि है तो पर्टिकुलर कृषि के साथ जो कृषि करने वाले मानवीय संसाधन है उसका समाज, उसकी सांस्कृतिक
जो पृष्ठभूमि है, उनके रीति रिवाज है, उनके लोग जो रीतियाँ हैं, जो कृषि के फसलों का बोने से लेकर उसकी कटाई पर विभिन्न तीज त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हमारा सोशल पार्ट है, तो एक दूसरे से संबंधित करके ही पढ़ाए जाने चाहिए। फिर आता है मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु, अब इस मौसम और जलवायु का अभी लेटेस्ट उदाहरण हमारा जो 5 साइक्लोन आया है जो अरब सागर में उठा था, इसी प्रकार से एक और चक्रवाती तूफान जो हमारे उड़ीसा में जिसमें तबाही की और पश्चिमी बंगाल में भी बिहार के अंदर आए हैं। तो ये मौसम और जलवायु के बारे में भी अगर सूचना हम जो है ये ज्योग्राफी का कंटेंट है और इसमें हमारे मानव के रहन सहन, वहाँ के खान पान, उसको किस प्रकार से प्रभावित किया है, वहाँ की वेशभूषा, जैसे शीतकाल जो ठंडे प्रदेश है वहाँ किस प्रकार का खान पान है, वेशभूषा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, तो ये आस्पेक्ट हमारा सोशल साइंस से रिलेटेड है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण जो हमारे जीव जंतु हैं उनका उस स्थान पर रहने वाले जो जिससे मौसम और जलवायु उन्हें प्रभावित करती, तो वहाँ बसने वाले जीव जंतु हैं, अन्य जो विभिन्न प्रजातियाँ हैं उपयोगी जो हमारे जीवन में उपयोगिता की दृष्टि से लाभदायक हैं, तो उन सभी को मौसम और जलवायु भी प्रभावित करती है। और उसी से ही हम जब इन ज्योग्राफी के अंदर इन सब का ज्ञान हमें प्राप्त होता है सैद्धांतिक, तो वो हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ है, हमारे सोशल, हमारे जीवन शैली है, उसको भी प्रभावित करता है। इसका ज्ञान हमें उस पर्यावरण को संरक्षण के लिए भी हमें जागरूकता प्रदान करता है, ऐसे उपाय भी हमें बताता है जिससे हम इस हमारे जो भौगोलिक कह सकें या हमारा नेचर कह सकें, हम उसको संरक्षण दे सकें, क्योंकि जब नेचर सुरक्षित है तो मानव भी सुरक्षित है, मानव का समाज भी सुरक्षित है। तो इस प्रकार ज्योग्राफी और सोशल साइंस को आपस में कोरिलेट करते हुए उसके कंटेंट को पढ़ाया जाए तो बच्चों को भी समझने में आसानी होगी और यह जो नॉलेज है वो बच्चों के लिए अन्य विषयों को समझने में भी सुविधा प्रदान करेगा, उनमें रुचि जागृत करेगा और वह भी सह संबंधित करके ज्ञान के स्थायित्वकरण के लिए आगे प्रोत्साहित करेगा। नाउ आज का जो असाइनमेंट है वो इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें सामाजिक विज्ञान का भूगोल से सह संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार आपको इसका कोरिलेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल जो इस वीडियो में दिए गए हैं उसके आधार पर स्पष्ट करना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि तो सुरक्षा ही बचाव है और बचाव ही उपाय है, और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।